दोस्तों भारत सांस्कृतिक विविधता का देश तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये आस्था का देश है जो लोगों को यकीन करना सिखाता है। और फिर उसी विश्वास के बूते भारत के लोग किसी को भी भगवान बना सकते हैं और किसी को भी रातों रात कंगाल। भारत में विश्वास और विश्वासघात की हजारों कहानियां हैं। आज की वीडियो भी उसी विश्वास की कहानी है, जो ये नहीं देखता कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो किस धर्म का है, बस आस्था और हर मुश्किल हल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हुआ यूं कि हिमालय में पिक्चरस्क्यू वैलीज में बने एक आश्रम में भंडारा चल रहा था। प्रसाद पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी कि तभी देसी घी खत्म हो गया। अब पूरियां कैसे तली जाए? कुछ घबराए हुए भक्त एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और कहा, महाराज घी तो खत्म हो गया। तो बुजुर्ग ने कहा, जाओ नदी से डिब्बों में पानी भर लाओ। हैरान भक्तों ने आदेश का पालन किया। कहा जाता है बाद में रसोई में पानी से भरे डिब्बों को खोला गया तो उसमें देसी घी था। भक्तों ने अपने प्यारे बाबा के चरण पकड़ लिए। नहीं, हम आपको साईं बाबा का कोई चमत्कार नहीं बता रहे हैं। एक्चुअली जिस बाबा के बारे में ये वाक्य प्रचलित है वो कोई और नहीं, महान संत नीम करौली बाबा थे। आप भले ही इनका नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इस संत के देश विदेश में करोड़ों भक्त हैं। इनमें कुछ खास नाम शामिल हैं, जिसमें एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट वीवी गिरी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने। भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ नीम करौली बाबा के भक्त ना हो। आइए अब आपको बाबा के बारे में विस्तार से बताएं। तो भारत की महान संत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस महात्मा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। माता पिता ने बालक का नाम रखा लक्ष्मी नारायण। कहा जाता है कि पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने 11 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण की शादी करा दी थी, लेकिन ये बालक तो बचपन से वैरागी था। होना क्या था, लक्ष्मी नारायण ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। वो ईश्वर को खोज रहे थे। घूमते टहलते पहुंचे गुजरात के मोरबी जिले के बबानिया गांव। कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण यहाँ तालाब में रहकर तपस्या करते थे। नाम पड़ गया थलैया बाबा। कुछ साल बाद लक्ष्मी नारायण यहाँ से उत्तर भारत की ओर बढ़ी, जिसके बाद उनकी तपस्या के लिए अगली जगह थी उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद जिला, जहाँ नीम करौली गाँव के लोगों ने साधु बाबा के लिए गाँव के बाहर जमीन में गुफा बना दी। गाँव वाले उन्हें प्यार से लक्ष्मण दास बाबा कहते। बाबा ज्यादातर समय ध्यान करते थे। बाहर आते तो नीम करौली के बाशिंदे उनकी खूब सेवा करते। समस्याओं से घिरे लोग जब बाबा के आशीर्वाद से ठीक होने लगे तो उन्हें समझ आ गया कि लक्ष्मण दास बाबा कोई आम व्यक्ति नहीं है। बाबा के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने वालों ने उनके लिए किताब तक लिख दी। ऐसे ही अपनी किताब श्री बाबा नीम करौली जी महाराज अलौकिक यथार्थ में रवि प्रकाश पांडे लिखते हैं कि गाँव के एक बेवाला शख्स ने लक्ष्मण दास बाबा से संतान के लिए प्रार्थना की। बाबा ने कहा, कुआं बनवा दे, संतान हो जाएगी। उस शख्स ने गाँव में कुआं बनवा दिया, लेकिन उसका पानी खारा था। बाबा ने कहा, कुएं में 10 बोरी चीनी डलवा दो, पानी मीठा हो जाएगा। गांव वालों ने ऐसा ही किया। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन बरसों बाद भी आज भी इस कुएं का पानी मीठा है। अब ऐसे चमत्कारों के चलते बाबा लक्ष्मण दास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग बाबा के पास आते और अपनी समस्याएं बताते। मानवता के कल्याण के लिए समर्पित बाबा अपनी शक्ति के हिसाब से लोगों की समस्याएं खत्म कर देते। कोई बीमारी से मुक्ति पाता तो किसी की गोद भर जाती, किसी को नौकरी मिलती तो कोई अकाल मौत से बचता। इसी के साथ अपनी किताब योगी चरितामृत नीम करौली के बाबा में डॉक्टर राजेश अग्रवाल एक और चमत्कार के बारे में लिखते हैं। अंग्रेजी शासन में एक दिन कंबल लपेटे एक साधु ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में सवार हो गए। टिकट चेकर ने बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। सिग्नल हुआ, लेकिन ड्राइवर के लाखों प्रयासों के बावजूद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। 2 घंटे गुजर गए, तभी अचानक एक शख्स ने बाबा से मजाकिया लहजे में कहा, बाबा मंत्र वंतर फूंकिए, गाड़ी बढ़वा दीजिए। जवाब में बाबा ने कहा, हमें तो गाड़ी से उतार दिया, हमारे पास टिकट भी था। लोग टिकट चेकर पर नाराज हुए और बाबा को कोच में बिठाया। बाबा ने ट्रेन को थपकी देते हुए कहा, चल भाई। इतना कहते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से लक्ष्मण दास बाबा को भक्त नीम करौली बाबा कहने लगे। कुछ लोग उन्हें नीब करौरी बाबा भी कहते हैं। 1935 के आसपास बाबा भ्रमण पर निकले और उन्होंने हिमालय की वादियों में तपस्या की। नैनीताल में उन्होंने हनुमानगढ़ भूमियाधार और कैंची धाम आश्रमों की स्थापना करवाई। यहाँ भूमियाधार आश्रम की स्थापना के बारे में रवि प्रकाश पांडे ने दिलचस्प जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, बाबा महाराज के आदेश पर एक प्राचीन हवन कुंड के ऊपर चबूतरा बनाया जाना था। फॉरेस्ट गार्ड ने इसका विरोध किया। बाद में वन विभाग ने जमीन कानूनी तौर पर आश्रम को दे दी। उस समय उत्तर प्रदेश के वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। वो एक दिन बाबा का आशीर्वाद लेने आए। बाबा ने चरण सिंह को आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। समय ने करवट ली और चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। अब तक तो आप भी बाबा के चमत्कारों से हैरान हो गए होंगे।
ये तो थी कुछ घटनाएं। इसी के साथ एक और घटना बताई जाती है। दरअसल अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट नशीली दवा LSD और युवाओं पर उसके असर का अध्ययन करते हुए LSD लेने लग गए थे। साल 1967 में अपने एक दोस्त के साथ रिचर्ड भारत आए। भूमियादार आश्रम में बिना पूछे ही बाबा ने रिचर्ड को उनके बारे में सब कुछ बता दिया। रिचर्ड ये सब सुनते ही बाबा के मुरीद हो गए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि LSD लेकर कोई कैसे समाधि में पहुंच सकता है। एक दिन बाबा ने रिचर्ड से कहा, क्या तू अपनी दवा मुझे नहीं दिखाएगा? बाबा ने रिचर्ड के हाथ से छीन कर LSD की कई गोलियां खा ली। रिचर्ड हैरान थे कि इन बेहद नशीली दवाओं का बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। रिचर्ड को नीम करौली बाबा ने अपना शिष्य बना लिया और नाम दिया रामदास। यही वजह है कि धीरे धीरे नीम करौली बाबा के दिव्य व्यक्तित्व की चर्चाएं भारत में ही नहीं, सात समुंदर पार भी होने लगी। 1972 की बात है, जब स्टीव जॉब्स संगी में थे तब वो भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। साल 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव भारत पहुंचे और कैंची धाम आश्रम में कई दिनों तक ध्यान किया। इस दौरान उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए, और जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत से लौटने के बाद ही स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया। वो कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि ब्रांड का नाम और लोगो एप्पल रखने की वजह ये थी कि नीम करौली महाराज को सेब बहुत पसंद था। खैर, उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये आप ही तय कीजिए। लेकिन इस लिस्ट में जॉब्स अकेले नहीं है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक के कोफाउंडर मार्क जकरबर्ग फेसबुक के घाटे से जब बहुत परेशान थे, तब स्टीव जॉब्स ने 2006 में मार्क को नीम करौली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। मार्क 2008 में भारत आकर कैंची धाम में रहे। इसके बाद उन्होंने कामयाबी की उन सीढ़ियों पर कदम रखे जहां पहुंचने के लिए सिर्फ सपने देखे जा सकते हैं। बाबा के हजारों लाखों भक्त हुए, और बाबा के कई भक्तों ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बाबा किसी भी स्तर पर कुछ भी करने की क्षमता रखते थे। बाबा कहते थे, जो मेरे फोटो के सामने आ गया वो मेरी नजर में आ गया। हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि नीम करौली बाबा की तस्वीर देखने के बाद उनका झुकाव हिंदू धर्म की ओर हो गया। आइए आपको एक और घटना से रूबरू कराएं। हनुमान जी के अनन्य भक्त बाबा के कुछ किस्से रोंगटे खड़े कर देते हैं। रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, नीम करौली गांव में बाबा की अनुमति के बिना गुफा में प्रवेश करना मना था। एक दिन बाबा गुफा में तपस्या कर रहे थे, तभी गोपाल नाम का भक्त लोटे में दूध लेकर गुफा में चला गया। बाबा समाधि में लीन थे और उनके शरीर पर सांप लिपटे थे। बाहर आकर गोपाल बेहोश हो गया। नीम करौली बाबा ने गोपाल से कहा, तुम्हें बिना अनुमति गुफा में नहीं आना था। भक्तों का मानना है कि बाबा का शिव स्वरूप था। बाबा के इष्ट हनुमान जी हैं, जो शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। भले ही नीम करौली महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विदेशी भक्तों से वो उनकी भाषा में बात करते। वो केसरिया चोला त्रिपुंड धारण करने वाले परंपरागत संत नहीं थे। बाबा पहले सिर्फ धोती पहनते थे, बाद में कंबल भी उड़ने लगे। प्रवचन से दूर रहते थे, अपने भक्तों के प्रश्नों का जवाब देते थे। बाबा ने अपने जीवन काल में किसी को अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखने दिया। कई ऐसे जिक्र आते हैं जब बाबा ने अपने व्यक्तित्व चमत्कारों को समेटते कई कागज नष्ट करा दिए। वे कहते थे कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं। बता दें कि अपने जीवन काल में बाबा ने लखनऊ, कानपुर, पिथौरागढ़, शिमला, दिल्ली समेत कई जगहों पर हनुमान मंदिर और आश्रम बनवाए, और 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि ब्रह्मलीन होने के कई महीने पहले ही बाबा ने भक्तों को इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे। मिरेकल ऑफ लव में रामदास ने लिखा है, बाबा की महासमाधि के कुछ दिन बाद एक भक्त लखनऊ के हनुमान मंदिर पहुंचा। वो बाबा से मिलना चाहता था, लेकिन पुजारी ने बताया कि बाबा तो शरीर छोड़ चुके हैं। भक्त ने कहा, ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो बाबा उसके साथ थे। यही वजह है कि आज भी बाबा से लोगों की आस्था नहीं उठी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है, जो कि उनके आश्रम गए थे जब विराट का क्रिकेट करियर ठीक नहीं चल रहा था। दोस्तों, ये थे नीम करौली बाबा के चमत्कार की कहानी। कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।